हेयर ऑन टू जय श्री राम में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 6 की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के प्यार और आप लोगों के दुलार से एक चीज़ आपके साथ शेयर कर लूँ। अमेज़ॉन के जो टॉप सेलर होते हैं, टॉप 100 बुक्स में हेज राम टू जय श्री राम आ गई है। इस हफ्ते की जो रैंकिंग थी उसमें हम लोग 27 नंबर पे हैं, 27 ऊपर से, मतलब वी आर 27th इन दी टॉप 100 बुक्स जो अमेज़ॉन रिलीज़ करता है। अमेज़ॉन की एक और लिस्ट होती है न्यू अराइवल्स या जो न्यू रिलीजेज, उस न्यू रिलीज में हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं। ये आपके सहयोग और आपके उसके बिना ये संभव नहीं था। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 6 की, और मर्दों नामर्द बनो, डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी, सिविल लिबर्टी सस्पेंडेड, 25 जून 1975। तो ये इमरजेंसी का एक पीरियड ऐसा है जो आज़ाद भारत के लोकतांत्रिक जो हमारी ताकत है उस पर हरदम, आज कल और आने वाले उसके बाद वाले कल में भी, ये हरदम एक ख़राब सपने की तरह याद किया जाएगा। इसकी बैकग्राउंड भी पे मैं गया हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि ऐसा था कि 1971 में इंदिरा गांधी जी ने एक साल पहले प्रीपोन चुनाव करा लिए। उनको लगा था कि इस समय उनकी जो ख्याति है वो बिल्कुल उस पर है। एक साल पहले चुनाव करा लिए थे और बांग्लादेश वॉर से पहले करा लिए थे। हालांकि जो एक साल पहले कराए थे वो जब इमरजेंसी लगाई तो जो चुनाव 71 के बाद 76 में होने थे वो एक साल बाद कराए थे। एक तरह से पूरे 10 साल ही कराए, लेकिन एक बार एक साल पहले, एक बार एक साल बाद। इन सारी चीज़ों का जो बेसिक जहाँ से बीज पड़े, वो इंदिरा जी जब कांग्रेस, शास्त्री जी के बाद जब प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो जो कांग्रेस के जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो कांग्रेस का संगठन था, उसको लगा कि ये बिल्कुल यंग हैं, इनको बहुत तजुर्बा नहीं है, और जिसको कहते कुछ लोग इनको गूंगी गुड़िया और इस तरह के नाम देने लगे थे अपोजिशन वाले, तो हुआ कि हम लोग इनको कंट्रोल करेंगे। लेकिन इंदिरा जी तो इंदिरा जी थी। 1969 में वो समय आया जब इंदिरा जी को लगा कि मैं इन जो पुराने लोग जो इस पर जिस तरह से उस समय का G23 आप कह सकते हैं जो कंट्रोल कर रहे थे, उनसे कैसे बाहर निकलूँ। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होती है, उसमें इंदिरा गांधी जगजीवन राम जी का नाम सुझाती हैं फॉर प्रेसिडेंट, वो नहीं माना जाता है। नीलम संजीवा रेड्डी को कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। अब इंदिरा गांधी, एक नया प्रत्याशी शुरू होता है वीवी गिरी, और इंदिरा गांधी अपने कांग्रेस के लोगों से कहती है कि अपने कॉन्शियस, अपने दिल की आवाज़ के अनुसार वोट दीजिए। वोट होता है, वोट के समय नीलम संजीवा रेड्डी को 49.1% वोट और वीवी गिरी को 50.9% वोट पाके वीवी गिरी इलेक्शन जीत जाते हैं। इस इलेक्शन की एक महत्वपूर्ण बात है जो मैंने अपनी किताब में मेंशन किया, जो इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस जो आइडियोलॉजिकली बिल्कुल फर्क थी जनसंघ से, इस इलेक्शन में कांग्रेस अपने सेकंड प्रेफरेंस का वोट जो जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार थे उनके साथ अलाइन होकर दे देती है। तो स्वतंत्र पार्टी जो कैपिटलिस्ट की पार्टी बोली जाती थी, और जनसंघ जो बिल्कुल राइट विंग पार्टी थी, कांग्रेस इंदिरा गांधी के विरोध में उनसे भी हाथ मिलाने से उसको कोई दुराव नहीं था। जब ये इलेक्शन हो जाता है वीवी गिरी राष्ट्रपति हो जाते हैं, तो इंदिरा गांधी इस गुस्से में चार मंत्रियों को जो उस समय के उनसे ताल्लुक़ रखते थे उनको ड्रॉप करती हैं। इधर रिटेलिएशन में जो कांग्रेस और जो प्रेसिडेंट थे निजलगंपा और इन लोग CWC में इनके जो तीन पुराने खास लोग थे उनको रही लेते हैं, और कांग्रेस का यहाँ से डिवाइड हो जाती है। वो पूरा एक एक आपको वर्णन मिलेगा, कैसे होता है, कौन आता है, किसको निकाला, कैसे किया, वो इंटरेस्टिंग है। इसके बाद की एक कहानी और है जो इम्पोर्टेंट है। इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में फिर अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट 24th एंड 25th करती हैं, जिसमें अनलिमिटेड पावर्स वो पार्लियामेंट के हाथ में और अपने हाथ में लेने की कोशिश करती हैं। इसको चैलेंज, 24th और 25th अमेंडमेंट को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है, जो बहुत अभी भी आप केशवानंद भारती केस के नाम से इसको याद रखते हैं। अभी तक के उसमें सुप्रीम कोर्ट की 13 जज की बेंच बनती है, लार्जेस्ट टिल नाउ, और उसमें 7-6 के डिसीजन, मेजॉरिटी डिसीजन से ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
कैन नॉट बी टेम्पर्ड, उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। उसी समय इंदिरा गांधी जी एक बात शुरू करती हैं कमिटेड जुडिशरी की, और वो फिर जुडिशरी में दखलंदाजी देना शुरू करती हैं। इस तरह की बातें भी मैंने इसमें कही हैं। फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और ये भूमिका है कि कैसे वो इमरजेंसी की तरफ उनके उनके कदम बढ़ रहे थे। गुजरात में चिमन भाई पटेल, पहले ओझा जी चीफ मिनिस्टर थे, फिर चेंज ऑफ लीडरशिप होता है, चिमन भाई पटेल जुलाई 1973 में चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और गुजरात में एक उनके खिलाफ़ एक भ्रष्टाचार और ये सब के आरोप लगने शुरू होते हैं और एक वातावरण बनने लगता है। जो ट्रिगर पॉइंट होता है वो अहमदाबाद के या अहमदाबाद के किसी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक कॉलेज में मेस फीस बढ़ाई जाती है। वो 20 दिसंबर 1973 में छात्र आंदोलन करते हैं कि जो 20% का मेस बिल में इंक्रीज हुआ है वो रोल बैक किया जाए, एंड दैट बिकम्स द टर्निंग पॉइंट। वहीं से नवनिर्माण आंदोलन की बात शुरू होती है, चिमन भाई पटेल को हटाया जाए, ये सब मांग शुरू होती है। वो फिर पूरी हिस्ट्री में आपको धीरे धीरे ये पूरा डिटेल मिलेगा, कैसे मोरारजी देसाई उपवास पे बैठते हैं, कैसे क्या होता है, और कैसे चिमन भाई पटेल को हटा भी दिया जाता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, हटा दिया जाता है, और गुजरात में फिर से इलेक्शन होते हैं। और इसमें सबसे मज़ेदार बात आपको ये, मतलब ये तो मैं आपको बहुत जल्दी में बता रहा हूँ, सबसे मज़ेदार पॉइंट ये है कि वो चिमन भाई पटेल जिनको हटाने के लिए, जिनके भ्रष्टाचार, जिनके उसके लिए ये पूरे सब नेता लगे हुए थे, उस समय का जनता मोर्चा जिसमें मोरारजी देसाई उसको लीड कर रहे थे, मतलब गुजरात में, ये जब जीत के आता है तो ये कोलिएशन बनाता है और ये सहयोग लेता है उन्हीं चिमन भाई पटेल की, एक नई पार्टी वो बनाए रहते हैं उनका, मतलब जिनको हटाने के लिए किया, फिर उन्हीं के सहयोग से ये सरकार बनाते हैं 75 जून 75 में। अब ये चिंगारी गुजरात के बाद पहुंचती है बिहार भी। बिहार में अब्दुल गफूर उस समय चीफ मिनिस्टर थे, और फिर वहाँ के छात्र और युवा एक जगह इकट्ठा होते हैं, जेपी के पास जाते हैं कि आप नेतृत्व दीजिए। जेपी अपनी शर्त कहते हैं, भाई नॉन वायलेंस होगा, ये होगा, जेपी कुछ वो करते हैं और वो लोग तैयार होते हैं, और फिर जेपी इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते हैं। जेपी फिर PUCL का फॉर्मेशन, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी का, ये सब चीज़ें होती हैं। तीसरा इसी के साथ साथ चल रहा होता है, इंदिरा गांधी ने राजनारायण जी को रायबरेली से हराया था, और ठीक से हराया था, मतलब कुछ 1,10,000 वोट से। राजनारायण जी एक इलेक्शन पिटिशन फाइल करते हैं, यशपाल कपूर जो इंदिरा गांधी जी के साथ अटैच थे, सरकारी एक मतलब उनको वेतन मिलता था, उनका उन्होंने कैसे उस जीप से गए थे, वो एक इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी की, वो धीरे 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 तैयार होती है। और फिर जस्टिस सिन्हा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं वो एक ऐतिहासिक फैसला देते हैं, उस फैसले को भी डिटेल में फिर बताया है कि कैसे इंदिरा गांधी हाई कोर्ट में आके अपनी गवाही देनी पड़ती है, कैसे मन्ना लाल जी जो इनके टाइपिस्ट थे उनको कैसे घर से में रख लेते हैं जस्टिस सिन्हा की, भाई यहीं रह के टाइप करो, इत्यादि इत्यादि। फिर जब ये वो हो जाता है इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, ये इलेक्शन पिटिशन हो जाती है और बताया जाता है कि नहीं वो नहीं रह सकती हैं, तो एक SLP सुप्रीम कोर्ट में दायर होती है। वहाँ पे जस्टिस कृष्णा अय्यर जो हैं वो एक अजीब तरह का जजमेंट देते हैं उस हाई कोर्ट के जजमेंट में। वो कहते हैं हाँ, ये जजमेंट में इंदिरा गांधी एज MP विल नॉट गेट एनी रेम्यूनरेशन, विल नॉट हैव अ वोटिंग राइट, बट शी कैन कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर। ये कुछ अजीब तरह का वो था, या तो पूरी तरह से छोड़ देते या पूरी तरह से कर देते, लेकिन खैर जो भी है। फिर JP दिल्ली आते हैं, 25 जून को उनकी दिल्ली में मीटिंग होती है, और 25 की रात में ही इमरजेंसी देश में लग जाती है। इसमें मैंने रोल ऑफ संजय गांधी को भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग वो किया है कि कैसे 28 वर्ष के युवक जिनकी शादी एक 18 वर्ष की युवती से होती हैं, और मेनका गांधी और ये लोग मिलके पूरे देश की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। मैंने वो स्टोरी भी की है जो लुईस एम सिमंस की है, जो वॉशिंगटन पोस्ट का शायद है, जिसमें उन्होंने इमरजेंसी से पहले संजय गांधी का कितना प्रभाव और कंट्रोल था इंदिरा गांधी के ऊपर, वो जब पब्लिक व्यू में इंदिरा गांधी को थप्पड़ मारते हैं, वो स्टोरी पब्लिश होती है, फिर उनको यहाँ से रिपोर्ट किया जाता है, इत्यादि इत्यादि। मैंने फिर वो स्टोरी भी कही है कि कैसे एक समय जब ये हो गया कि इंदिरा गांधी भाई डिबार कर दी गई और इलेक्शन सेट असाइड हो गया, तो DK बरुआ को ये हुआ कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए कुछ समय के लिए और जब तक केसेस चले, और इंदिरा गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाए। उस समय का जब संजय गांधी आते हैं कंट्रोल करने, नहीं ये कैसे हो सकता है, फिर इमरजेंसी जब लग जाती है तो कैसे वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर उस समय IK गुजराल होते हैं, उनको बुलाते हैं, प्रेस सेंसरशिप लागू होती है, इत्यादि इत्यादि। और संजय गांधी का वो रोल भी मैंने बताया है।
इस इमरजेंसी के जो सपोर्टर्स हैं, मैंने उनकी भी बात बताई है, विनोबा भावे हुए, चाहे बाल ठाकरे हुए, चाहे MGR हुए, चाहे मदर टेरेसा हुई, चाहे कुशवंत सिंह, ये सब लोग इस इमरजेंसी के सपोर्टर्स थे। मैंने इस पूरे उसको घटनाक्रम को तीन चार चीज़ें, देखिए इमरजेंसी का आपको अगर बहुत सीधे से समझना हो कि इमरजेंसी किन तीन व्यक्तियों की वजह से लगी, तीन व्यक्ति, तो उसमें पहला नाम JP है। JP ने वो लीडरशिप और उसको वो मॉरल अथॉरिटी दी, नेतृत्व देके वो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात किए, इंदिरा गांधी से वो कई बार उनकी मुलाकात हुई। देखिए एक चीज़ और समझने की वाली बात है कि JP के लिए इंदिरा जी बेटी तुल्य थी, उनके रिलेशनशिप बेटी और पुत्र और पिता वाले थे, उस तरह के रिलेशनशिप थे। वो भी मैंने जिक्र किया है जब JP बहुत भारी हृदय से जो कमला नेहरू और JP की पत्नी प्रभावती जी के बीच में जो पत्राचार होता है, उन लेटर्स को जब इंदिरा गांधी को, जब उनको लग जाता है कि अब हम लोग साथ नहीं चल पाएंगे, कई बार कोशिश होती है, JP कई बार कोशिश करते हैं, इंदिरा गांधी वो बात बनती नहीं है, तो JP उस लेटर्स को ले जाके इंदिरा जी को वापस करते हैं कि भाई मतलब उनको ये लगता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, रिलेशनशिप इतनी ख़राब, जबकि JP और इंदिरा जी की, मैं जैसा मैंने पहले भी कहा, पिता पुत्री वाले संबंध थे। तो एक तो JP का किरदार है, दूसरा जॉर्ज फर्नांडिस का एक बड़ा किरदार ये होता है कि जॉर्ज फर्नांडिस एक अद्भुत जो रेलवे स्ट्राइक होती है जिसमें करीब 17 लाख रेलवे के एम्प्लॉय भाग लेते हैं, पूरा देश ठप हो जाता है, इंदिरा गांधी को वहाँ से ये लगता है कि जॉर्ज फर्नांडिस अगर 17 लाख लोगों से पूरा देश रेल के ठप कर सकते हैं, लोग उनको बताना शुरू करते हैं कि ये आपके अगेंस्ट एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है जिसमें आपको की गद्दी पलट दी जाएगी, इत्यादि इत्यादि। तो दूसरा मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार, जो इमरजेंसी की तरफ जो इंदिरा गांधी को ढकेला, JP के बाद जॉर्ज फर्नांडिस हैं, और तीसरा मानी हुई बात है कि राजनारायण जी हैं जिन्होंने रिलेंटलेसली बिल्कुल पीछे लग के वो मुकदमा लड़ते हैं, वो इलेक्शन पिटीशन लड़ते हैं। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जिन चार्जेस पे वो इलेक्शन सेट असाइड किया जाता है, उसको बात के लोगों ने कहा कि भाई ये तो कुछ था ही नहीं, एक सरकारी अधिकारी अपनी सरकारी जीप और क्या क्या का इस्तेमाल करता है, इसलिए वो इलेक्शन सेट असाइड किया गया था। आज की तारीख में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन ये तीन मुख्य किरदार होते हैं। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको इसके बहुत से और वो पक्ष होंगे, और इंदिरा गांधी जिन्होंने हमें 71 की बांग्लादेश वॉर, बैंक नेशनलाइजेशन और बड़ी चीज़ें की इस देश के लिए, उनके उस बहुत ही अद्भुत और अच्छे करियर पे जो एक दाग है और जो बड़ा दाग है वो इमरजेंसी का है, उसको तो ना मिटाया जा सकता है ना भुलाया जा सकता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।